स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे औसत की, ठीक है। औसत जो कि आईटीआई पॉलिटेक्निक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो औसत चैप्टर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुल 30 प्रश्न देखते हैं, जिसमें 15 एक पार्ट में देखेंगे, 15 दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले आप लोग का लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, ये सब करवा दिया गया। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं, प्रतिशत भी करवा दिया गया है, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो चैनल के प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे आईटीआई मैथ करके, ठीक है, आईटीआई पॉलिटेक्निक मैथ करके उसमें जाइए और वहाँ पे देखिए, या एंड स्क्रीन में भी दिखाई देगा आपको, जो भी उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एवरेज स्टार्ट करें। और एवरेज में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं सीधे प्रश्न से चलते हैं, ठीक है। प्रश्न से आपको समझाएंगे और कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है, देख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला भी जरूरी है, तो फॉर्मूला जब जरूरी पड़ेगा तब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे योग की बात करेंगे, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी औसत निकालना रहता है, तो औसत बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। उसी तरह औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, मतलब जो भी दिया रहेगा टर्म, ठीक है, उसका योग और बट्टे कुल संख्या, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ऐसे करके रहता है। तो यहाँ पे समझते हैं हम एवरेज। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 3 के पहले 5, तो 3, 6, 9, 12 और 15, इसका औसत पूछा है, तो औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे या तो आपको ऐसे समझना है, या क्या कीजिए, देखिए कब ऐसे होता है बता देते हैं, जब भी समान अंतर है, ठीक है, तो औसत क्या हो जाता है, बीच वाला हो जाता है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़ के भी 2 से भाग लगाएगा, जैसे 3 प्लस 15 बट्टा 2, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 18 बट्टे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। कब होता है ऐसे, जब श्रेणी क्रम में रहे वो, ठीक है, जब श्रेणी क्रम में रहे तो फर्स्ट एंड लास्ट का जोड़ बट्टे 2 करेंगे फिर भी आ जाएगा, या बीच वाला जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ना रहे, मान लीजिए ऐसे ना रहे, तब कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस क्या करेंगे, 15, और बट्टे कुल संख्या 1 2 3 4 5, आप समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 5 45, सबको जोड़ेंगे तो 5 से भाग लाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। और क्या बताया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब भी श्रेणी क्रम में रहे तो फर्स्ट एंड लास्ट का जोड़ देंगे, ठीक है, और 2 से भाग लगा देंगे, तो आपका औसत आ जाएगा, या बीच वाला इसका औसत होता है, ठीक है। औसत क्या होता है, बीच वाला इसका औसत होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा है कि 12 से नीचे विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ध्यान दीजिए 12 से नीचे क्या देगा, 1 हो जाएगा विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सभी कैसी संख्या है, ये सभी के सभी क्या है, बिल्कुल सही, ये सभी के सभी क्या है, औसत निकालने के लिए विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, तो अभी क्या बताए थे, श्रेणी क्रम में रहे तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे फिर भी आ जाएगा, या बीच वाला, तो इसका बीच वाला तो नहीं नजर आ रहा है, ये तीन अलग करेंगे तो बीच वाला कुछ नहीं है, तो बीच वाला जब भी कुछ ना रहे तो 5 जोड़ 7 बट्टे क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। 7 5 कितना आ जाएगा, 12 बट्टे 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 6, यहाँ से भी आ गया। और देखिए 1 प्लस क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 11 बट्टे 2, तो 11 कितना आ जाएगा, 12 12 बट्टे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से भी 6 आ जाएगा, तो ये दोनों मेथड है जिससे आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये बच्चा का यहाँ पे प्रश्न है, जैसे किताब इसमें इसलिए टिक लगा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, बिल्कुल आसानी से सिखाया जाएगा और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो समझिए यहाँ पे औसत बिल्कुल आसान चैप्टर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है समझिएगा, यहाँ लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, ध्यान दीजिए 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, 18 5 90, हम लोग योगफल निकालेंगे पहले, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका औसत दिया रहेगा उसका गुणा कराएंगे तो योग आ जाएगा उसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, यदि एक संख्या सम्मिलित ना की जाए, ध्यान दीजिएगा 5 संख्या में 1 संख्या सम्मिलित ना करेंगे तो कितना संख्या, 4 संख्या, और उसका औसत दिया है 16, ठीक है, तो 16 6 कितना जाएगा, 64, तो अंतर करेंगे हम लोग, घटाव करेंगे तो निकल जाएगा ना 5वीं संख्या क्या होगी, तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, घटाइए 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 26 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं। और जो लोग भी सीखे रहेगा उसके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा 5 संख्या का औसत कितना बोला था, 18, तो संख्या तो 18 है अभी औसत, और अगला औसत पूछा है आप लोगों से, औसत नहीं पूछा है, संख्या ही पूछा है, ठीक है। तो ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही सही है।
औसत पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा जो अभी बताते हैं। खैर चलिए अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला है समझिएगा। चार नंबर यहाँ पर बोला है एक कक्षा के 150 विद्यार्थियों के समूह का औसत भार 60 है। ध्यान दीजिए 150 विद्यार्थी है नहीं, और उसका औसत भार कितना है 60, तो गुणा करेंगे तो कुल योग निकल जाएगा 15 96 यानी कि 9000 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 9000 कीजिए औसत भार है। यदि कक्षा के 50 नर विद्यार्थी यानी कि पुरुष का औसत भार कितना है 70 kg है। ध्यान दीजिए 50 गो पुरुष है और उसका औसत है 70 kg, 70 से 3500 हो जाएगा इसका, ठीक है। जबकि महिला कितनी बची 100, उसका पूछा है क्या होगा तो पहले घटा लेंगे तो महिलाओं का योग निकल जाएगा ना, तो घटाइए ना, तो 9000 में से हम लोग कितना घटा लेंगे 3500 को घटा लीजिए कितना आ जाएगा, और भाग दे देंगे 100 से, ठीक है, तो 5500 आ जाएगा, और 5500 में यहाँ पे भाग दे देंगे 100 से तो ये 2000 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 55 kg औसत भार आ जाएगा किसका 100 महिलाओं का, चूंकि 100 से भाग दिए। बात समझ में आ रहा है एवरेज ऑफ गर्ल, ठीक है, तो गर्ल का औसत कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पे 55 kg यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा क्या लिखा है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है। पांचवा प्रश्न में यहाँ पे लिखा है 15 और 35 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 15 और 35 के बीच, 15 और 35 के बीच अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा 17, 19, 21 तो नहीं होगा, 23, इसके बाद 29 और 31, 33 तो नहीं होगा, 11 33 होता है, तो इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ के कितना से भाग लाएंगे 1 2 3 4 5 से, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए 7 3 10 और 10 8 18 1 19 के 9 हासिल 1 3 1 4 2 6 2 8 9 और 1 10 अच्छा 1 1 2 2 4 2 6 6 3 9 और 2 11 ना 11 बटे कितना करेंगे 5 करेंगे, ठीक है, 5 2 10 5 8 40 5 2 10 5 2 10 1 5 3 15 और 5 4 20, ठीक है, 23.4 आ जाएगा, 5 3 15 5 8 40 ना 8 आएगा, 23.8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 6 था, 5 था, 5 था ये, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पांच संख्याओं का औसत 12 है, पांच संख्याओं का औसत 12 है तो 5 × 12 लिखेंगे तो कुल योग मालूम हो जाएगा कितना 60, और प्रश्न से यहाँ पर बोला है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत 14 है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 में से 3 × 14 यानी कि 14 42 घटा लेंगे, ठीक है, 42 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 4 गया 1 नहीं यानी कि 18, और पूछा इसका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, 2 से भाग लगा देंगे 2 × 9 18, 9 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो संख्या का औसत पूछा है तो 2 से भाग लगाएंगे ना, तो ना 2 संख्या का औसत आएगा, तो 2 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, पांच छात्रों का औसत 14 है, बताएं कि 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए 5 छात्रों का औसत 14 है और बोला है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ध्यान दीजिएगा 5 साल बाद सभी भरेंगे ना 5 5 साल, तो औसत क्या होगा 5 से बढ़ जाएगा, यानी कि 5 से बढ़ जाएगा यानी कि 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जब भी रहे ऐसा प्रश्न, ठीक है, कि 5 सभी 5 साल बढ़ते हैं या सभी का आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगा, या सभी का आयु 5 गुना होता है तो क्या होगा, तो 5 से गुना करवा देंगे, जितना गुना होगा उतना से गुना, उतना से भाग, जो भी बोलेगा उतना जोड़ देंगे घटा देंगे, ठीक है, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्या बोला 8वां प्रश्न, कि 4 संख्याएं दी गई है जिनका औसत 55 है, यदि 3 संख्याएं का औसत 48 है, ध्यान दीजिए 4 संख्या का औसत 55 है तो 4 × 55 लिखेंगे तो कुल योग मालूम हो जाएगा 5 2 20 2 22 220, और यहाँ पे क्या बोला आगे, आगे बोला कि 3 संख्या का औसत 48 है तो 3 × 48
तो 8 3 24 4 3 12 2 14, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पांचवा संख्या मालूम, सॉरी चौथा संख्या मालूम हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 4 गया 7, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दे दिया है आप लोगों का कि 36 छात्रों की एक कक्षा की औसत 18 वर्ष है। ध्यान दीजिए, तो 36 × 18 लिखेंगे तो कुल योग मालूम हो जाएगा, 18 × 6 108 × 10 18 × 3 54 10 64 यानी कि 600 कितना 48। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर बोला है आपसे कि यदि कक्षा के शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 19 हो जाता है। ध्यान दीजिए, कक्षा में शिक्षक की आयु जोड़ देंगे तो शिक्षक हो गया तो 37 हो गया ना सब मिल के, और औसत 1 से बढ़ गया यानी कि 19 हो गया, तो 19 × 3 = 13 और 19 × 57 = 13 कितना हो जाएगा, 57 और 13 कितना हो जाएगा आप लोगों को, 7 × 10 = 5 1 = 6 6 × 7 = 70 ना 70 यानी कि 703। तो क्या बोला आपसे क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है आप लोगों से कि चौथी सॉरी यहाँ पे शिक्षक की आयु कितनी है, तो घटा लीजिए इसमें से इसको, 703 में से किसको घटा लेंगे, 648 को, तो घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5 और 9 में से 4 गया 5 यानी कि 55 आ जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन है कि नहीं 55 है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। टोटल 15 प्रश्न करवाए जाएंगे अभी, बिल्कुल आसान है औसत, तो औसत से जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप लोग उसका योग ज्ञात कर लीजिएगा, योग में से क्या करना है जो भी संख्या दिया रहेगा उसको घटा लेना है गुणा करके। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर समझते हैं, क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। पूछा है इसका औसत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोगों को फॉर्मूला में भी लिखाया गया था वर्गों का औसत, प्रथम संख्याओं के वर्गों का औसत या प्रथम प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, प्रथम कोई भी संख्या रहे धनात्मक सम संख्याओं सॉरी धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वर्ग है इसलिए फॉर्मूला रहेगा n+1 × 2n+1/6। ये होता है फॉर्मूला, या आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरह से जोड़ सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरह से जोड़ सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 सबको जोड़ के उतना से भाग लगा देंगे, या ये फॉर्मूला आता है। तो देखिए 7 + 2 × 7 = 1 / 6 7 × 8 × 7 = 14 / 6 2 × 4 यानी कि 2 × 4 = 8 2 × 3 = 6 3 × 5 = 15 5 × 5 = 20 वर्ष आपका सही आंसर आ जाएगा। सॉरी 20 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, सही ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 10वां नंबर समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है वर्गों का औसत। घनों का औसत इसी तरह से होता है, घन का औसत क्या होता है, घन का औसत होता है n × n+1 2/4। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, प्रश्न संख्या 11 क्या बोला है समझते हैं। ग्यारह नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला आप लोगों से कि x तथा 1/x का माध्य कितना है, m है। ठीक है, तो x + 1/x का मान कितना हो जाएगा बताइए, 1/x का मान कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, पूछा आप लोगों से कि x क्यों तथा 1/x क्यों का माध्य क्या होगा, इसी का माध्य ना। तो ध्यान दीजिए, x + 1/x का मान कितना है, 2m, तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर x³ यहाँ पे जो भी दिया रहता है वैल्यू, इसको अगर p मान ले हम, इसको अगर क्या मान ले, p मान ले, तो p³ - 3p, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 लिखेंगे। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर p के जगह पर 2m, तो 2m³ - 3 × 2m, ठीक है, बाय 2, तो 2 × 4 × 8 8m³ - 3 × 6m बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 2m कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2m कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 2 × 8 - 2 = 6। ठीक है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो m × 4m² - 3, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक फॉर्मूला भी होता है यहाँ पर, देखिए ये कैसे आता है समझा देते हैं, यहाँ पर समझ ही लीजिए आप लोग। देखिए आप पूछा था आप लोगों से कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान मान लेते हैं, ये पूछा आपसे, ठीक है तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं ना, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 × a + b, यही होता है ना, x प्लस 1/x लिख लेते हैं, ठीक है ये तो कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए ये बच गया, ये बचा, और इधर क्या बचा बताइए, 3 × x + 1/x, यही बचा ना, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 1/x का होल क्यूब और माइनस 3 × x + 1/x, ये ना, और इसका मान दिया था जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लेते इसको p माने थे, नहीं यहाँ पे 2m है, तो यहाँ पे वही लिखते 2m का होल क्यूब, नहीं लिखते माइनस 3 × 2m, ये ना लिखते, तो यही बात तो लाए थे वहाँ पे, लाए थे कि नहीं लाए थे, तो ऐसे भी बनता है ठीक, बट ऐसे नहीं बनाना आपको, सीधे सीधे वहाँ फॉर्मूला से चलना है, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 12, बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आप लोगों से फॉर्मूला ही पूछ दिया 12 नंबर में। तो 12 नंबर में बोला यहाँ पर है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्गों का योग अभी अभी बताया n प्लस 1 × 2n + 1/6, ठीक है यही होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ये था क्वेश्चन नंबर 12 फॉर्मूला था, क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा, क्या बोला 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि चार संख्याओं का औसत 15 है, ध्यान दीजिए चार संख्या का औसत 15 होगा तो योग क्या हो जाएगा, 15 × 4 = 60, और आगे क्या बोला यहाँ पर है, आगे बोला यहाँ पर है कि 5, 17 और 28 है, तीसरी तीन संख्या 5, 17 और 28, ठीक है तो आप लोगों से पूछा है कि चौथी क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे 60 में से इस सबको माइनस कर देंगे, ठीक है तो 23 और 28, 23 18 कितना हो जाएगा यहाँ से, 17 × 5 = 23, 17 × 5 = 22 ना, 22 × 28 कितना हो जाएगा, 22 × 28 हो जाएगा आप लोग का 50, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आपका सही आंसर देंगे, ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग देख पा रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर 15 ही प्रश्न करवाए जाएंगे, फिर 15 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट टू में, बिल्कुल गर्दा मचा देना आपको, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा सा आंसर भी है, तो समझते चलिए, ना समझ में आए तो बताइए आप कमेंट करके, नहीं समझ में आ रहा है फिर से अच्छे से फिर से और भी अच्छा किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लड़कों की अवस्थाएं 3, 5, 7 और 9 वर्ष है, इन लड़कों का औसत क्या है, तो जोड़ लीजिए, जोड़ के भाग दे दीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 + 5 + 7 + 9 और बटे कर लेना यहाँ पे 4, ये है ना, हाँ तो यही है, तो जोड़ लीजिए 5 × 8, 8 + 9 = 16, तो 24 आ जाएगा, 24 / 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न चलते हैं, बिल्कुल आसान, और क्या बोला यहाँ पर है कि x का मान क्या होगा यदि 5 × 3 × x + 9 / क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 ही संख्या है ना, और 14 भी है, तो 14 भी जोड़ लेते हैं, 5 संख्या हो गया, तो 5 और औसत कितना दिया है इसका, 10 दिया है, नहीं तो औसत 10 लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हो गया ना, आंकड़ाओं का योग बटे आंकड़े, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ लेना आपको, 5 को उधर भेजेंगे 10 × 5 कितना आ जाएगा 50, 5 × 3 = 8, 9 = 17, 17 × 14 कितना आ जाएगा 17 × 14 = 31, 31 + x, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 50 − 31, ठीक है 9 और 4 में से 3 = 1, यानी कि 19 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं आज बड़े इतना ही, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 15 से 16 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाय बाय, टेक केयर।